नमस्कार, न्यूज 18 लोकल मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं अनुराग पांडे। हम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के पास खड़े हैं और देखिए भोपाल तत्काल का मामला सामने आया है। भोपाल तत्काल में दो ट्रक आपस में शायद किस कर रहे थे और इतना भयानक किस हुआ है कि ये पूरा जो बहुत मेन मार्ग है एमपी नगर को नर्मदापुरम रोड से जोड़ता है, इस पूरे मार्ग में आप देखे पीछे ट्रक कितनी खतरनाक तरीके से एक्सीडेंट हुआ है। शायद कल रात को एक्सीडेंट हुआ है और इधर पे लोग रुक भी रहे देखने के लिए कि कैसे ये हादसा हुआ है। और देखिए उस तरफ का पूरा मार्ग भी बाधित हो रहा है, दिखाएं, मैं सहयोगी से कहूंगा पूरा उधर का मार्ग बाधित हो रहा है और ये लोग देखने के लिए भी रुक रहे हैं इधर पे कि क्या कैसे। जी भैया क्या नाम लिखते हैं? अच्छा कहाँ रहते हैं आप? बल्लभ नगर। तो ये कब हुआ, ये पता चला कुछ? नहीं, मेरे को नहीं मालूम। ये कैसे हुआ, बड़ा खतरनाक हुआ है? क्या कर सकते जी भैया क्या नाम लिखते हैं? रवि कुमार। ये क्या हो रहा है भोपाल में, लोग किस कर रहे हैं दो ट्रक? किस नहीं कर रहा है भाई, एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे। अच्छा एक्सीडेंट हुआ है, तो ये पता चला कुछ क्या हुआ था? ये रात में हुआ होगा। अच्छा, उनको पीछे चला रहा हूँ गाड़ी ट्रक वाले। ये तो बहुत पॉश इलाका है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है, इधर पे तो इतनी व्यवस्थाएं रहती फिर भी ऐसे एक्सीडेंट हो रहे हैं। रात में क्या व्यवस्था रहती है, अभी काम चल रहा है मेट्रो का तो व्यवस्था तो कुछ है ही नहीं। चौपट है सब, चौपट। अच्छा माल खाली कर रहा है, कब खाली करके लेके जाएंगे? सौरभ, ट्रैफिक लग रहा है देखो भैया। क्या नाम लिखते हो? सौरभ। क्या किस विस कर रहे हैं ट्रक, क्या चल रहा है? भैया नहीं पता यार, भैया हम तो आए थे सामने बस देख लिया। क्या क्या अच्छा लगा देख के? अब भैया जितनी तूफानी चीज होती है उतना अच्छा लगता है। अच्छा आपको भी अच्छा लग रहा तभी इंटरव्यू ले रहे हो? तूफानी है कि नहीं है? बहुत बहुत। तो देखिए बहुत खतरनाक हादसा हुआ है, आगे का पूरा जो कैबिन है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, कांच पड़े हैं और इस कारण इस रूट पे ट्रैफिक भी अच्छा खासा मात्रा में लग रहा है क्योंकि ये मेन रूट है एमपी नगर को नर्मदापुरम से कनेक्ट करता है। तो आप समझ सकते हैं बिजनेस हब है एमपी नगर भोपाल का और सारे बड़े ऑफिसेस हैं, इसके कारण दोनों ही लेनों में रानी कमलापति तरफ जाने वाला और एमपी नगर तरफ जाने वाला उधर पे भी अच्छा खासा ट्रैफिक लग रहा है इसको लेके। अब देखिए आप पूरे बॉडी चके सब कुछ इस समय तहस नहस हो चुका है इधर पे। सहयोगी से बोलूंगा बैटरी देखिए, बैटरी थी शायद और बैटरी की हालत देखिए आप बिल्कुल बैटरी भी समाप्त हो चुकी है, ये भी कोई बॉडी पार्ट था वो भी खत्म हो चुका है। और अच्छा ये देखें आप अंदर का हालत क्या हुआ, इधर देखें आप फिल्टर की हालत देखें, ये शायद एयर फिल्टर या ऑयल फिल्टर रहा होगा वो भी टूट चुका है। नीचे अगर दिख के दिखाएं एक और बैटरी की हालत देखें आप, वो भी खतरनाक बिल्कुल हो चुकी है। मैं सहयोगी से कहूंगा मेरे पीछे दिखाएं कि क्या हालत है, इधर टायर भी निकल आए हैं ट्रक के, क्या हुई ये? हमें तो खुद नहीं मालूम, हम तो खुद देखने आए हैं। खतरनाक हुआ है, बहुत खराब हुआ है। आप देखो तो देखने आया हूँ, मैं भी देख कर आऊँ कैसा क्या हुआ। भोपाल में से आपसे कैसे रोक सकते हैं? क्या रोकेंगे, होनी है हो गई, अब क्या कर सकते हैं? जानबूझ के तो करा नहीं होगा। अच्छा नहीं कहा जा रहे नशे में था ड्राइवर, अब ये तो वो देखते नशे में होगा तो फिर क्या कर सकते। लेकिन खतरनाक है जो भी, बहुत खतरनाक है। बात करने के लिए धन्यवाद। मोहम्मद आमिर, ये कैसे हुआ, क्या कर रहे हैं अभी आप लोग अंदर? ये मलमा पलट रहा है बाड़ी में। अच्छा हाँ, ये फंस गया ना यहाँ पर। अच्छा हाँ, तो दूसरी बाड़ी में पलटी कर रहा हूँ भाई। ये हुआ कब, हादसा कब हुआ? मंडे से आए हुए हैं। अच्छा अभी आए 12 बजे। 12 बजे आए, तो अभी कितना टाइम लगेगा और इसको निकालने? 2 घंटे लग जाएंगे। 2 घंटे अभी लग जाएंगे। हाँ तो देखिए बहुत खतरनाक, इधर पे अभी जाम भी लग रहा है और टाइम लगेगा इस पे अभी इसको सबको हटाने के लिए, और 2 घंटे का समय कहा जा रहा है, इसके बाद इस ट्रक को क्रेन के द्वारा यहां से हटाया जाएगा। तो ऐसी और फील्ड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी अनुराग के साथ, आप देख रहे थे न्यूज 18 लोकल मध्य प्रदेश।